हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज मैं तुषार आपका स्वागत करता हूं किरदार के नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे। अरे यार, रुक रुक तुषार, इतना फॉर्मल क्यों जा रहा भाई? मतलब तूने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, वो पूछ। चल मुझको ये बता प्रांजल कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे को सबसे ज्यादा कीमती है, जिसे हम हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। बड़ी ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं, अब एक के बारे में कैसे बताऊं? भाई आई अंडरस्टैंड, बट तब भी कोई एक ऐसी चीज होगी, पैसा, पेरेंट्स, दोस्त या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। यार व्हेन इट कम्स टू मनी तो एक छोटा सा बच्चा क्या ही कमाएगा, और जहां तक बात करें पेरेंट्स की, वो तो हर कदम पे हमारे साथ हैं। आई एग्री ब्रो। और दोस्तों को भूल गया क्या? यार तेरे जैसे दोस्तों की बात करूं तो मुझे और किसी चीज की जरूरत है नहीं, लेकिन फोर्थ पॉइंट पे मेरे को नहीं जाना। आई कैन अंडरस्टैंड योर फोर्थ पॉइंट वाला कंसर्न ब्रो, मुझे भी अब वहां नहीं जाना। बट तब भी कोई एक ऐसी चीज जो इंसान को हमेशा अपने साथ रखना पसंद आए, जिसको वो कभी ना छोड़ना चाहे। ऑफ कोर्स ब्रो, बिल्कुल है। तो फिर इतनी देर से थका क्यों रहा है, बता भाई। व्हाट एल्स यार, हैप्पीनेस और सेल्फ लव। भाई 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 प्रांजल प्लीज, संदीप भाई नहीं बनना। नहीं नहीं यार, संदीप महेश्वरी जी की बात कहाँ, वो तो अलग ही हैं। बट आई जेन्युइनली फील कि सेल्फ लव एंड हैप्पीनेस आर द टू मोस्ट नेसेसरी थिंग्स इन लाइफ। यार क्यों, डोंट यू एग्री? ऑफ कोर्स आई एग्री समवेयर, दोनों चीजों के बिना जिंदगी तो अधूरी है यार। दैट्स द पॉइंट ब्रो, इन चीजों के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है और हमारा पॉडकास्ट भी। हाँ भाई, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। सो शुरू करें क्या? चल भाई शुरू करते हैं। चलो फिर। सो वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट गाइस, और आज का टॉपिक आपको समझ आ ही गया होगा प्रांजल की बातों से। सो आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीनेस और सेल्फ लव के बारे में, जिसकी कमी बहुत भारी मात्रा में पाई जाने लगी है। हाँ भाई बात तो सही है। You are looking weird, bro. But according to you, self-love और happiness क्या है? भाई मैं बोलना तो self-love और happiness का मतलब है being positive and understanding your own worth. That's right. Staying positive is the need of the hour. Of course, जब कोरोना जैसा शैतान हमारी लाइफ में आके बैठा हो। Yeah, bro. That's true. बट तब भी आजकल लोगों में वो पॉजिटिविटी रह कहाँ गई है यार। हाँ ब्रो, आजकल इतनी चीजें सुनने और देखने को मिलती है, पता नहीं वर्ल्ड में क्या ही चल रहा है। That's right यार, सही में आई डोंट नो, मतलब वाई लोग खुद को इतना अंडर एस्टिमेट करने लगे हैं। सच कह रहा है भाई। तो सुना आपने, आंटीज एंड मम्मीज एंड अदर फीमेल्स, ये लाइन स्पेशली तुषार ने आपके लिए बोली है। हमारी मम्मी क्या बन गई है, तो अपनी अहमियत ही भूल गई। That's right भाई, माँ बनने के बाद मोस्ट ऑफ द फीमेल्स ये भूल जाती हैं कि वो खुद क्या हैं, उनकी सेल्फ वर्थ क्या है। वो सिर्फ पूरे घर के लिए काम करती हैं एंड अपने बारे में बिना सोचे समझे। सो आज क्यों ना कुछ ऐसा करें इस पॉडकास्ट के थ्रू, जिसकी वजह से हम हर उस इंसान को उसकी सेल्फ वर्थ याद दिला सकें जो वो भूल गए हैं। क्यों ना लोगों का असली मतलब बताएं, छोटी से छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने का तरीके ढूंढने का। यार आजकल की यूथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पैसों के पीछे इतना भागने लगी है, इस चक्कर में वो अपने आप को टाइम देना, रिलैक्सेशन देना या सेल्फ सेटिस्फाइड रखना ही भूल गए हैं। हाँ, और इसी वजह से इंडिया की ज्यादातर यूथ बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, मोस्टली डिप्रेशन। सही कह रहा है ब्रो, एंड मोर ओवर एक तो इतना स्ट्रेस है लाइफ में, सोशल इकोनॉमिकल, और ऊपर से ये कोरोना जो चौकड़ी मारकर हमारी लाइफ में बैठ गया है। That's what bro, अब तो कॉलेज देखे हुए भी अरसा हो गया है। बट इन चीजों की वजह से यू नो पीपल हैव फॉरगॉट हाउ टू लिव देमसेल्फ्स। लोग खुद भूल ही गए हैं कि उनकी सोशल लाइफ और उनकी और एक लाइफ है जो वो एक घर के बाहर भी जीते हैं। दे हैव फॉरगॉट देमसेल्फ्स। सही में भाई, पीपल हैव फॉरगॉट हाउ टू इंटरैक्ट। वो इवन एक घर में रह के उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, और यही सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस का, लोनलीनेस का एंड फाइनली डिप्रेशन लीड करने का। इसलिए आई सजेस्ट खुश रहने के लिए जरूरी है लोगों से इंटरैक्ट करना, और स्पेशली अपना पॉइंट और खुद को एक्सप्रेस करना। दैट्स राइट,
पीपल शुड लर्न हाउ टू फेस द स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स यार. करेक्ट ब्रो. सुन, लेकिन सुनने में तो भाषण लगता है, बट है सत्य वचन यार. पता है मेरे हिसाब से तो लोगों को सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए. दे शुड असेस देमसेल्व्स. बात तो सही है ब्रो, बट इसके कुछ वेज या फिर तरीके भी तो होंगे. ऑफ कोर्स हैं ब्रो, सब बताएंगे सब बताएंगे. बट सबसे बड़ा मोटिवेशन तुझे पता है कौन है? वो इंसान अपने लिए खुद. सही पकड़े हैं ब्रो, ये हमारे ऊपर है, हम सिक्के को कौन सा पहलू देखते हैं. वाह वाह वाह, प्रांजल ने क्या बात बोली है. बट दैट्स ट्रू, जो नेगेटिविटी है वो तो है ना यार, बट तब जरूरी है कि उससे आगे बढ़ो, अपनी लाइफ का पॉजिटिव पार्ट देखो. दैट्स राइट, आगे बढ़ने के साथ साथ इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न फ्रॉम द पास्ट. सही कह रहा है, पुरानी यादों से हमें नई नई चीजें सीखनी चाहिए. सही कह रहा है, आजकल कोई प्रेजेंट में नहीं जीता भाई, कोई फ्यूचर बनाने के पीछे भाग रहा है तो कोई पास्ट को लेकर रो रहा है. हाँ एंड नो यार, एंड फर्स्ट एंड द फोर्थ मोस्ट थिंग इज नेवर टू लुक बैक, एंड इवन इफ यू डू सो लर्न फ्रॉम द थिंग्स. दैट्स राइट, इफ यू स्टार्ट फेसिंग द प्रॉब्लम्स उनसे ओवरकम करने के लिए एफर्ट्स दो ना, और यही नहीं ओवरकम करने के बाद पॉजिटिव साइड पे ज्यादा ध्यान दो, सो देन इट्स वर्थ. या ब्रो, यही तो लीड करता है अचीवमेंट, गोल्स के लिए, अपने एम के लिए. जब आप अपने प्रॉब्लम से लड़के पॉजिटिव रहकर प्रूव कर दो कि दैट यू आर नॉट मोर वीक एंड यू आर अ सक्सेसफुल एंड अ हैप्पी पर्सन. ऑल्सो यस यस यस, यू वेरी करेक्ट, यू वेरी करेक्ट ब्रो. और इसी चीज पे तो किरदार का फोकस है, इसी चीज पे तो किरदार फोकस करता है. दैट्स ट्रू ब्रदर, यही तो किरदार का विजन है. Dream, work, and achieve. And now, we, by our podcast, will tell you some easy and efficient ways जिनको follow करके आप अपना stress कम कर सकते हैं और achieve कर सकते हैं अपने goals को. So, Kirdar's vision is all about promoting you guys and motivating you guys to reach where you want to. Yup. So, we are here so that 10 years down, the time you can reach where you want to be. So, अगर बात करें हाउ वी आर गोना डू दिस, जस्ट कीप इट सिंपल. यू व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग जस्ट कीप इट इन योर माइंड. ओके, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने दिमाग को पॉजिटिव और हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में रखें. और दिमाग को हेल्दी रखने के लिए रॉकेट साइंस की तो जरूरत है नहीं. सही कह रहा है, इट्स सिंपल, इंटरैक्ट विद पीपल, शेयर करो अपनी फैमिली से दैट हाउ वॉज योर डे यार. यस, दैट रियली हेल्प्स ब्रो. उसके साथ यू शुड फीड योर माइंड विद हेल्दी फूड डाइट. हेल्दी डाइट एंड फूड फॉर माइंड, क्या कहना चाह रहा है भाई? हाँ ब्रो, जैसे बॉडी के लिए हेल्दी डाइट जरूरी है, इन द सेम वे इट्स नेसेसरी फॉर माइंड एज वेल. सो तेरा मतलब है कि लोग शैम्पू की जगह प्रोटीन शेक लगाए? अरे भाई भाई भाई, इतना नहीं, मेरा मतलब है कि माइंड को एक अच्छी नॉलेज और आइडिया से फीड करना चाहिए. तो अब क्या है, लाइब्रेरी में घर बसा लूं? अरे नहीं नहीं भाई, उसके लिए लाइब्रेरी में बैठने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे भी बहुत कुछ हो सकता है. अच्छा सर, तो आप ही बता दो फिर क्या हो सकता है. हाँ जी अवश्य बालक. सो गाइज, इट्स सिंपल, प्रोवाइडिंग माइंड विद ग्रेट आइडियाज बाय रीडिंग बुक्स लाइक ऑटोबायोग्राफीज एंड मोटिवेशनल कंटेंट्स. अब पहले ही तुषार बोले कि बुक्स कौन पढ़ेगा, तो यार उसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम किसी रेप्यूटेड लोगों के इंटरव्यूज देखो. ये मुझे पता है, ये मुझे बताने दे. सो ब्रो, अच्छा जी बताइए बताइए, बताने दो फिर. सो वी कैन ऑल्सो लुक फॉर सम कंटेंट, सम गुड कंटेंट लाइक लिसन सम गुड इंटरव्यूज ऑफ रेप्यूटेड एंड सक्सेसफुल पीपल. यस, बट इंटरव्यू ऐसे जो इन्फॉर्मेटिव हो. ऑफ कोर्स नॉट लाइक दैट कॉफी विद ब्ला ब्ला. एग्जैक्टली, एंड मोर ओवर आजकल देर आर सो मेनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऑन यूट्यूब. यस, यूट्यूब प्लेज अ वेरी वाइटल रोल जब फ्री में इतने अच्छे लोगों को सुनने का मौका मिले, तो वाई नॉट गो फॉर इट. यह बड़ी, एंड सोशल प्लेटफॉर्म्स हेल्प यू बिल्ड अप योर सेल्फ एंड ऑल्सो कैन वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी.
दैट्स द राइट थिंग ब्रो, वो तो आपकी चॉइस है कि आप रेप्यूटेड इंटरव्यू सुनो, मोटिवेशनल कंटेंट सुनो, या फिर दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर। हो डिंचैक पूजा यार, बट उसका फैन तो मैं भी हूँ भाई। लो साहब जी को देख लो, इन्हें देखो भाई साहब। भाई क्या करूं, पॉजिटिविटी तो मिलती है चाहे हंस हंस के ही मिले। वही तो बात है ब्रो, हम जहां पॉजिटिविटी ढूंढे मिलेगी जरूर। या ब्रो इट्स राइट, इट्स ऑन अस कि हम किसी चीज में क्या देखते हैं। और YouTube की बात उठी है ना, सो प्लीज गाइस किरदार के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए कंटेंट लाने में। बिल्कुल गाइस कर लेना यार, इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। बट हाँ एक पॉइंट हम भूल ही गए थे कि हमें प्रॉपर स्लीप भी लेना जरूरी है इतने नॉलेज रखने के बाद भी। या ब्रो दैट्स इम्पॉर्टेंट, हम भूल गए थे इस पॉइंट को। कोई नहीं गाइस, बट इट्स नेसेसरी टू टेक अ प्रॉपर स्लीप, ये तुम्हें ठीक रखने में हेल्प करता है। या स्लीपिंग नॉट ओनली हेल्प्स यू गेट फ्रेश बट नेक्स्ट डे एनर्जेटिक और अपना बेस्ट देने में डे में मदद करता है। एंड हाँ ये सबने जरूर सुना होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स यू हेल्दी एंड वाइज। अच्छा ओके ओके, अब आपके कोर्स वगैरह पूरे हो गए हो सो लेट्स प्रोसीड। या सो नाउ कम्स अ न्यू इम्पॉर्टेंट पार्ट, व्हेन योर ब्रेन स्टार्ट्स टू बी विंग फिट यू नीड टू फोकस ऑन योर फिजिक एंड स्पेशली योर हेल्दी डाइट। हाँ भाई, एक ऐसी डाइट होनी चाहिए लोगों के पास और एक ऐसी डाइट होनी चाहिए लोगों की लाइफ में जो अंदर से इंसान की कोई कसर ना छोड़े, इतनी ताकत दे कि दे कैन गिव बेस्ट ईच डे। बिल्कुल यार, डाइट का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपनी टेस्ट सेटिस्फैक्शन खत्म कर दो, उसका मतलब ये भी होता है कि तुम टेस्ट के साथ साथ अपनी ध्यान भी रखो, जो तुम्हारी बॉडी की नीड्स हैं, न्यूट्रिशन नीड्स हैं, वो भी पूरी हो। एंड यस गाइस, एक चीज का प्लीज ख्याल रखना, डाइट ऐसी जो हमेशा आपको एनर्जेटिक रखे और स्ट्रेंथ दे, ऐसी डाइट जो आपको हर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अपना बेस्ट दे, ऐसी डाइट होनी चाहिए। अरे भाई डाइट के बारे में इतना हो गया, अब कुछ कसरत या वर्कआउट के बारे में भी बात कर ले। बिल्कुल बिल्कुल ब्रो, एक प्रॉपर वर्कआउट के बिना डाइट का कोई फायदा नहीं होता भाई। इट्स लाइक अगर डाइट है तो उसके साथ साथ हमें वर्कआउट भी चाहिए जो हमें फिजिकली फिट रखने में मदद करता है। बट एक चीज का ख्याल रखना गाइस, फिजिकल वर्कआउट में और फिजिकल एग्जर्शन में डिफरेंस होता है। आप वर्कआउट उतना कीजिए जो आपकी बॉडी अडेप्ट कर सके, इट शुड नॉट बी कि आपकी बॉडी जितना कर सकती है उससे एक्स्ट्रा आप पुश करते हैं। दैट लीड्स टू फिजिकल एग्जर्शन जो कि आपको इंजरीज कॉज कर सकता है और आपके गोल तक पहुंचने से आपको एक कदम पीछे रोक सकता है। अरे हाँ भाई बिल्कुल, ये बात तूने एकदम सही कही, लेकिन वर्कआउट के साथ जरूरी है मेडिटेशन और योगा जो तुम्हें पीस प्रोवाइड करे, इंटरैक्ट करने में मदद करे, एक थॉटफुल माइंड रखे और स्पेशली तुम्हें एक पेशेंस आदमी बनाए, तुम्हें तुम्हारे अंदर पेशेंस डाले। दैट्स राइट भाई, दैट्स राइट। मैंने जितने भी आज तक के बिग शॉट्स की इंटरव्यूज देखे हैं, जितनी भी स्टोरीज सुनी हैं या जितना भी मोटिवेशनल कंटेंट मैंने इस यूट्यूब पे देखा है, उसमें मैंने हमेशा देखा है कि मोस्ट ऑफ द बिग शॉट्स एंड मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज वो फोकस विद देयर वर्क, देयर डाइट एंड देयर वर्कआउट ऑन मेडिटेशन। हर बंदा या तो शाम को या तो सुबह एक घंटा या मिनिमम हाफ एन आवर, या इफ यू कांट गिव हाफ एन आवर वन आवर तब भी 10 मिनट्स निकाल कर ओम एंचैंटमेंट करता है या फिर मेडिटेशन प्रैक्टिस करता है। दिस नॉट ओनली ओपन्स योर सेंसरी ऑर्गन्स, दिस नॉट ओनली ओपन्स योर माइंड, बट दिस ऑल्सो ओपन्स योर थॉट प्रोसेस। आपका नजरिया चेंज हो जाता है फ्रेंड्स अपनी लाइफ को देखने का। इफ यू प्रैक्टिस मेडिटेशन फॉर 1 वीक ना, आई बेट द नेक्स्ट वीक यू विल बी सो एनर्जेटिक और आप जो देखोगे उसमें आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। सो नाउ वंस यू आर डन विद बोथ द थिंग्स वेल, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स इन लास्ट, टू अचीव। यप, दिस वंस मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसमें वी नीड टू गिव अप बेस्ट। दैट्स राइट। सो आप जब मेंटली एंड फिजिकली खुद को फिट रखने में कामयाब हो चुके हैं, यू शुड फोकस ऑन असेसिंग योर सेल्फ। यू रिमेंबर हमने असेसिंग के बारे में बात करी थी स्टार्टिंग में? यस आई डू गाइस। फॉर रीचिंग एट द डेस्टिनेशन तुम्हें चेक करना चाहिए कि तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल सफिशियंट अमाउंट में है या नहीं, टायर्स की कंडीशन अच्छी है या नहीं। सो इसके लिए तुम्हें अपने एफर्ट्स
अपना डेली रूटीन चेक करना पड़ेगा कि तुम डेली फॉलो कर रहे हो या नहीं। That's right, guys. उसने बिल्कुल सही बोला, इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ वॉट यू डू। जैसे इसने बोला पेट्रोल चेक करना होता है, टायर चेक करने होते हैं कार के, वैसे ही आपको हर दिन का एक रिकॉर्ड रखना चाहिए अपने एफर्ट्स का और अपने एक एक पॉइंट का या एक एक मतलब एक एक चीज का जो भी आप अपने गोल के अचीव करने के लिए करना चाहते हो। अगर आपको अपने ड्रीम्स और गोल्स अचीव करने हैं, स्टार्ट मेकिंग अ टू डू लिस्ट इधर सुबह और प्रीवियस नाइट, बट आदत बना लो दैट यू शुड राइट डाउन समवेयर दैट इन द कमिंग डे आपको कौन कौन से टास्क करने हैं और क्या क्या आप करना चाहते हो। आई टेल यू गाइस, इतने स्मॉल एफर्ट से भी यू कैन रीच योर गोल वेरी सून। यप्स, दैट्स ट्रू गाइस। उसके साथ इफ यू मेक अ चेकलिस्ट एट नाइट या फिर टू डू लिस्ट में तुम टिक करो तो तुम्हें हेल्प होगी जो भी काम बाय चांस छूट गया है उसे अगले दिन करने की, और स्पेशली तुम्हें मोटिवेशन बहुत मिलेगी। सही कहा, इससे आपका हर दिन की पिक्चर एक आपके सामने क्लियर होगी एंड यू विल बी एबल टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। एंड बाय चांस अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो टाइम रहते हुए चेंज द प्लान ऑल्सो। हाँ, बट इसको प्रैक्टिस करने से वी प्रोमिस यू विल फाइंड अ बिग चेंज इन लाइफ जो आपको और मजबूत बनाएगा और आपके गोल की तरफ जाने में आपकी और मदद करेगा। और इसके थ्रू पीपल विल गेट हेल्प टू कंप्लीट देयर ओन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। हाँ, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल फाइंड योर सेल्फ वन मोर स्टेप क्लोज टू योर लॉन्ग टर्म गोल। हाँ, बट इसके साथ एक और चीज भी जरूरी है भाई, तू भूल गया क्या? क्या भाई? अरे संडे। संडे? ओ संडे, संडे। हाँ, आई नो यार, आई एम सॉरी। संडे प्लेज अ बिग रोल गाइज इन लीडिंग यू ऑन द पॉजिटिव एंड हैप्पियर ट्रैक। अरे मतलब गाइज समझे क्या तुम? संडे मतलब कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, यस यू हर्ड इट राइट गाइज, जो इसने बोला बिल्कुल सही बोला। संडे को डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रेवल योर मदर। हाँ बिल्कुल, इट्स द डे जो आपका मन करे वो करो, वॉच मूवीज, प्लेइंग गेम्स, listening songs or wherever you want to visit. We mean this way you can enjoy your cheat day. जब आपके mind और body दोनों को rejuvenate होने का time मिलेगा, fresh होने का, energetic feel करने का अगले हफ्ते के लिए एक दिन मिलेगा। Don't forget guys कि तुम्हें अगले हफ्ते भी एक और to-do list आनी है जो तुम्हें बताएगी तुम्हें अगले हफ्ते क्या क्या achieve करना है। That's right guys, Sunday को जब आप एक और to-do list बनाओगे तो इट विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स टिल द कमिंग सैटरडे, एंड फिर अगले संडे तो है ही रेस्ट डे। यस, सो दिस इज हाउ गाइस यू विल अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल्स इन इजी वेज। यप गाइस, दिस विल हेल्प यू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल्स इन इजी वेज एंड इट विल लीड यू ऑन अ हैप्पियर एंड पॉजिटिव पाथ। सो इसी के साथ हम आते हैं आज के पॉडकास्ट की एंड की ओर। चलो खत्म हुआ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। सो गाइस, वी जस्ट वांट टू से कि आपके लिए हम किरदार में यही चाहते हैं कि हम आपको मोटिवेट करें और आपको वो सब दें जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे अपने गोल्स को अचीव करने में। वी गाइस वांट यू टू रीच वेर यू वांट टू बी। हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसलिए हैं कि आप 10 years डाउन द लाइन वहाँ पहुँच पाओ जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। दैट्स राइट गाइस, वी आर हेयर फॉर यू, वी आर हेयर टू मोटिवेट यू। सो गाइस डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो। Yes guys, please don't forget to hit the subscribe button. We are working day in and out to give you guys some awesome and awesome content. And we are working hard to give some part of motivation to you guys each day. So that aap apne goal ki taraf aur achche se pahunch paayen aur aap jab efforts dein to motivated feel kar paayen. So guys, please press the bell notification for the latest content releasing on Kirdar. And other than this, if you have any queries, any suggestions, you can write it to us on in the comment section below, or you can contact us on contactus.kirdar@gmail.com. The ID is in the description, and you can also follow us on Instagram. Link is in the description below. So do guys, don't forget to subscribe our channel for some latest and exclusive content dedicated to our dear Sir Sushant Singh Rajput. Coming soon. So do subscribe, stay safe and stay happy guys. And don't forget the Kirdar's vision. Dream, work and achieve. Stay happy, stay positive guys. Thank you.